हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 10th क्लास की इंग्लिश, और 10th क्लास की इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 1 है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट IMP शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के राइटर हैं जेम्स हैरियट। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिसेस पम्फ्रेज वरीड अबाउट ट्रिकी। व्हाई क्यों वाज थी मिसेस पम्फ्रेज जो थी वो क्यों वरीड थी, चिंतित थी अबाउट ट्रिकी के बारे में, मतलब ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। तो श्रीमती पम्फ्रेज जो थी वो ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान थी। देखिए इसका आंसर समझिए। देखिए फ्रेंड्स, मिसेस पम्फ्रेज वॉज वरीड बिकॉज वो क्या थी, चिंतित थी। बिकॉज क्योंकि ट्रिकी ने मना कर दिया। ओके, टू टेक लेना हिज फूड अपना खाना, उसने अपने खाने को लेने से मना कर दिया, मतलब खाना नहीं खा रहा था। एंड सीम्ड वो दिखाई दिया लिस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। ओके, उसकी तबीयत खराब थी तो वो लिस्टलेस दिखाई दिया, बेचैन दिखाई दिया। ही हैड वॉट्स होते हैं दौड़े, उसे दौड़े पड़े और वोमिटिंग और क्या हुई, उल्टी के दौड़े पड़े किसको, कुत्ते को, जिसका नाम है ट्रिकी। ओके, आगे है उसने खर्च किया ऑल हिज टाइम, अपना सारा का सारा टाइम अपना टाइम लाइंग ऑन पड़े रहने पर। ओके, वो पड़ा रहा था। ओके, लाइंग ऑन होता किसी जगह पड़े रहना। ओके, द रग पेंटिंग और वो पड़े पड़े हाँपता रहा, पेंटिंग का मतलब हाँपना। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, हाउ कैसे डज करता है ही ट्रीट, वह ट्रीट करता है, इलाज करता है द डॉग, कुत्ते का, वह कुत्ते का कैसे इलाज करता है। देखिए, ही टेक्स द डॉग, वह कुत्ते को लेता है, टेक्स मतलब लेता है द डॉग कुत्ते को, वह कुत्ते को लेता है ट्रिकी कुत्ते को लेता है टू हिज क्लिनिक, और अपने क्लिनिक पर लेकर जाता है। देयर वहाँ पर ही डज नॉट गिव मच फूड, वह वहाँ पर ज़्यादा खाना नहीं देता है। गिव मच फूड, मच का मतलब ज़्यादा, फूड का मतलब खाना, वह ज़्यादा खाना नहीं देता है, नोट आया ना, तो नहीं देता है इट उसे, मतलब इसे कुत्ते को। ओके, ही कट्स इट्स फूड, वह उसका फूड काट कर देता है। एट कीप्स इट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, उसको उसकी जो डाइट होती है उसको स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब कम कर देता है डाइट को उसकी, मतलब कम खाने के लिए देता है, क्योंकि खा खा के वो मोटा हो गया तो बीमार पड़ गया था ना। ओके, तो यहाँ पर डाइट पर रखता है उसको कुत्ते को। ही कीप्स, वह रखता है, इट अंडर ऑब्जर्वेशन, वह रखता है अंडर, अपने अंडर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण में, निरीक्षण का मतलब देख रेख, ऑब्जर्वेशन देख रेख, तो वह अपने देख रेख के अंदर उसे रखता है। ओके, एट द एंड, जहाँ पर ये बोबिल आ जाए, बोबिल से पहले इसको दी पड़ते हैं। ओके, एट द एंड, अंत होने पर, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन का अंत होने पर, ट्रिकी स्टार्ट सोइंग, दूसरा दिन होने पर जो ट्रिकी था वो स्टार्ट कर देता है सोइंग दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखाई देना चालू कर देता है। ओके, इन द सराउंडिंग्स, उस आसपास के पर्यावरण में। ओके, सराउंडिंग्स होता पर्यावरण। ओके, आगे समझिए, ऑन द थर्ड डे, तीसरा दिन आने पर, इट विम्पर्स, वह थिनथिनाता है, बोलता है, भौंकता है। ओके, थिनथिनाता है, तो तीसरे दिन आने पर, मतलब क्या क्या, वो ठीक हो जाता है। इस टाइप से आप उसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे भी आपको सामने ये सारे हिंदी है, वो इस तरीके से आप इसको हिंदी में निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, बस सिंपली इसकी वर्ड पावर याद होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिको को वह स्थायी मेहमान के रूप में क्यों रखने के लिए ललचाइत था, या कह सकते हैं लालची बन गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर समझिए इसका, ही इज टेम्प्टेड, वह टेम्प्टेड हो गया, वह लालच में पड़ गया या ललायित हो गया टू कीप रखने को लिए इसको, ट्रिको को ऑन एज अ परमानेंट, स्थायी रूप से गेस्ट बनाने के लिए, क्या मेहमान बनाने के लिए, बिकॉज क्योंकि डेट वे देव वुड गेट एग्स, क्योंकि क्या करता था वो, क्योंकि उस ढंग से वे अंडे शराब आदि पाते रहेंगे। ओके, उसको किसको, जो डॉक्टर था उसको ये चीज़ें मिलती थी। ओके, वाइन भी मिलती थी, ETC वगैरह वगैरह। दिस इज सप्लाइड, जो सप्लाइड करता था कौन, वाई द मिसिज पम्फ्रीज, उसको देती थी,
नॉट फॉर देम, उसके लिए नहीं बट कुत्ते के लिए, बट फॉर ट्रीके, ट्रीके के लिए देती थी, बट वो डॉक्टर खुद खा जाता था ओके, क्योंकि वो उसको डाइट पर रख रहा था किसको, कुत्ते को। तो मिस्टर, हाँ मिस्टर 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 हैरियट डज नॉट गिव दिस टू ट्रीकी, मिस्टर जो हैरियट थे, जो डॉक्टर थे उनके, वो गिव नॉट, वो नहीं देते थे दिस, ये चीज़ें टू ट्रीको, ट्रीको को, क्योंकि उसको डाइट पर रखना था, वो मोटा हो गया था, बीमार पड़ गया था, उनको इसे ठीक भी करना था, तो वो सही करते थे, आप अपने आप खाजा करते थे उन चीज़ों को, जिनको अंडों को, वाइन को, एटीसी जो भी चीज़ें देती थी मिसिस पम्फ्रीज, तो वो खुद खा जाते थे, बट उनको नहीं देते थे किसको, ट्रीको को, कुत्ते को। इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।